भाई आप सबका स्मार्टफोन खतरे में है। ये वाली स्मार्ट वॉच टक्कर देने आ रही है स्मार्टफोन से। आप लोगों को याद होगा पेजर को टाटा करा था, बड़े वाले जो फोन आते थे उन्होंने, रेडियो को टाटा करा था टीवी ने, फिर कंप्यूटर को टाटा करा था लैपटॉप ने, और फोन को भी टाटा करने की कोशिश करी जा रही है इससे। इस स्मार्ट वॉच और फोन की भिड़ंत को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2005 में। 2005 में लैपटॉप्स भाई सोशल मीडिया पे छा गए, और अगर आप स्मार्टफोन्स की भी सेल देखो 200 मिलियन को स्मार्टफोन बिकते हैं। 2015 तक ये 1.4 बिलियन हो गया था इसका नंबर। स्मार्टफोन ने भाई लैपटॉप्स को बाय बाय कर दिया था। और एक घड़ी कैसे रिप्लेस कर सकते हैं स्मार्टफोन को, जैसे हमने पास्ट में देखा। किसी भी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए तीन चीजें चाहिए हम। सबसे पहले प्राइस, एक अच्छा प्राइस जिसमें एक नॉर्मल एवरीडे कंज्यूमर खरीद पाए, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, वो प्रोडक्ट बेटर होना चाहिए, उसमें ज्यादा फीचर होने चाहिए, ज्यादा फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज, ये शिफ्ट करने में आसानी होनी चाहिए। बट क्या ये स्मार्ट वॉच स्मार्टफोन को आसानी से रिप्लेस कर पाए, देखते हैं। ये है सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 5 प्रो LTE। ये सबसे पहले भाई स्मार्ट वॉच होगा, ये तो अच्छा खासा भाई लोहा हुआ इसमें लगा रखा है, इसको साइड में रखते हैं। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ LTE, इसका मतलब ये बिना फोन के चल सकती है, और यहीं से फोन को रिप्लेस करने की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले बेटर प्रोडक्ट, इसमें अंदर ही एक डिजिटल सिम रहती है, ई सिम, जैसे आजकल फोन में आने लगी, ऐसे ही इस वाली वॉच के अंदर भी, और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद एक बार अगर आपने इसमें ई सिम इंस्टॉल कर दी, उसके बाद लगभग पूरा ही ये फोन बन जाती है। और फोन को रिप्लेस करने के लिए भाई फोन वाले फीचर आपको घड़ी के अंदर देने पड़ेंगे। जैसे मेरे फोन में फिटनेस वगैरह वाले 2-3 फीचर हैं, बट स्मार्ट वॉच में हेल्थ का पूरा ध्यान दे सकते हो। स्टेप मॉनिटर, BMI, SpO2, स्लीप कैलोरी मॉनिटर, भाई सब कुछ ऐड कर दिया भाई। तो भाई कुछ फीचरों में तो स्मार्ट वॉच ज्यादा ऊपर है। इसमें ना आपको भाई वॉच वाला भी One UI 4.5 मिलता। ये सैमसंग है, ये एंड्रॉइड या फिर यूनिक्स बेस्ड आप बोल सकते हो, तो एंड्रॉइड की काफी सारी एप्स इसके अंदर चल जाती। अगर ऐसे प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एक्सोनोस का सैमसंग अपना प्रोसेसर है W920, और उसके साथ साथ 1.5 GB रैम है, 16 GB स्टोरेज। आपको स्टोर ओवर करना है तो इसके अंदर हो जाता है, ऐसे कोई चैलेंज नहीं आता है। गूगल मैप्स भी काफी तगड़ा काम करता है, आपको फोन निकालने की जरूरत ही नहीं भाई। लेकिन कैमरा, गेमिंग और फोन की जितनी बैटरी होती है उसके आसपास नहीं आ रहा। तो अगर आप ये फोन छोड़ के पूरी घड़ी पूरे दिन रात यूज करनी, तो मैं बता देता हूँ भाई क्या क्या हो सकता है। भाई हम अपने फोन पे सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो करते हैं वो है टेक्सटिंग और कॉलिंग। इसमें आप दोनों चीजें कर सकते हो। अगर आप अपने स्मार्ट वॉच से कॉलिंग कर रहे हो तो आपको बस ऐसे पकड़ के कॉल करना, ऐसे कान पे लगा के ऐसे रख के भी रख सकते हो, बट ईयरबड्स भी लगा सकते हो। भाई स्ट्रैप भी आ रखा है ब्लू कलर का, कलर अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है भाई, बट मेरे को ना ये वाला ऐसा अंदर ऐसे चुभ जाता है। वैसे ही लग रही है घड़ी। कॉल नंबर यू आर कॉलिंग इज आदर स्विच्ड ऑफ। भाई स्विच ऑफ कर लिया भाई ने, डरता है क्या हमसे? सार्थक को करते हैं। हेलो, हाय भाई, कैसा? मैं ठीक हूँ, बताओ। मैं भी ठीक हूँ भाई। मैं नया फोन लिया, बताइयो कैसी आ रही है भाई? बस मेरे को तो नॉर्मल ही लग रही है, हल्की सी अलग है पर क्लियर आ रही है आवाज। तो अलग कैसे, मेरी आवाज ज्यादा सेक्सी हो गई है क्या? ये एक्चुअली आप मेरी घड़ी से बात कर रहे हो, मेरे पास फोन है ही नहीं, फोन मैंने त्याग दिया भाई। मैं वॉल्यूम भी चेंज कर सकता हूँ इसमें। चल भाई, ओके भाई। वे है तो अच्छी स्मार्ट वॉच एक्चुअली, इसमें मतलब काफ़ी दूर से भी आवाज़ वाज क्लियर आ रही है, और आप कॉल काफ़ी आराम से कर सकते हो। सबसे पहले प्रेसन आप होल्ड करोगे तो वॉच फेस आ जाएंगे, इसको कस्टमाइज आप कर सकते हो। कोई ऐप इसका लगाना हो, हेल्थ वाला है, ये रंगीनिया वाला है, ये भालू का, ये कुछ अलग से हैं। अगर आपको अपनी खुद की प्रिय फोटो लगानी, वो भी आप भाई वॉलपेपर पे लगा के रख सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँ क्योंकि नार्सिसिस्टिक होता है। नार्सिसिस्टिक जिन लोगों ने पता, वो मुँह मिट्ठू वाली बात होती है, इसलिए मैं बस टेक बर्नर की फोटो लगाता हूँ। आजकल भाई मैं थोड़ा ना वो भी कर रहा हूँ, MMA, एकदम से कहीं पे भी अटैक हो जाए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। वो मैं मल्टीटास्किंग नहीं सीख गया, बॉक्सिंग करते करते बात करते। हेलो भाई। हाँ भाई, हाँ आवाज आएगी तुमको YouTube में। भाई हमने देखो खोल रखा है, इसमें वीडियो चल रहे हैं, मजा आ रहा है। थोड़े बटन वटन छोटे जाते हैं बट भाई, और गोल स्क्रीन पे आप स्क्वायर में देख रहे हो तो इसमें एक्चुअल भाई गूगल वाला प्ले स्टोर है, तो जितनी भी एप्लीकेशन हैं आपको भाई कुकू FM, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई मैसेज करना वो कर सकते हो। फोन की ऑफकोर्स सारी एप्स इसके अंदर नहीं है, बहुत बेसिक जो आप एवरीडे यूज करते हो वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। थोड़ा गाना वाना बजाना है, थोड़ी बेसिक कैलेंडर देखना है, वेदर देखना है, वो सारी चीजें आप इससे बड़े आराम से कर सकते हो। फोन का एक फायदा ये रहता है कि भाई अगर आप फोन पे बात करो तो आपकी आवाज किसी और को सुनाई नहीं देगी। बस इसमें दिक्कत ये है कि जब इस पे कॉल करोगे तो ये काइंड ऑफ स्पीकर फोन वाली वाइब रहती, तो आपकी आवाज बाकी सब लोगों को भी सुनाई देगी। तो भाई फोन वाला पूरा ही कॉलिंग और टेक्सटिंग हमने आपको अच्छे से करके दिखा दी। अगर आपको मल्टीमीडिया चलाना है, YouTube, Instagram, वो भी बढ़िया चल जाता है। WhatsApp के मैसेज रिप्लाई करने हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज रिप्लाई या कॉल वॉल करनी है, सब हो जाता है। गेमिंग एक ऐसी चीज है जो अभी नहीं हो पाती इसके अंदर, थोड़ी छोटी मोटी गेम में चल जाती है, बट वो मजा भाई जैसे स्मार्ट वॉच अपग्रेड होंगे हो सकता है वो भी ऐड हो जाए। भाई फोन में आपको 60 MP, 100 MP मिल जाता है, बट ये
सही है इसमें, अपनी आप शक्ल देख सकते हो मिरर में, याद कर रहा था, इसमें है नहीं, स्मार्ट वॉच में फायदा नहीं है। बैटरी अगर आप फोन से कनेक्ट करके चला रहे हो तो सही चल जाती है, बट अलग से अगर आपको खाली घड़ी घड़ी की चलानी तो भाई 15 घंटे के अराउंड ही चल जाती है। दूसरा शिफ्टिंग वाला मामला सिंपल हो जाए भाई, जैसे मोबाइल से स्मार्ट वॉच में शिफ्ट करने में दिक्कत आएगी नहीं। इससे पहले जितनी भी स्मार्ट वॉचेस थी इसमें आप फुल टाइप नहीं कर पाते भाई, बट मेरे को सबसे तगड़ा पता क्या लगा, जैसे मैं इसमें ऐसे टाइप कर रहा हूँ ना तो मैं स्वाइप करके टाइप कर, तो मतलब स्वाइप करके टाइप करने की आदत होती है ज्यादातर लोगों को फोन पे, इस पे भी आप कर सकते हो भाई, थोड़ी छोटी रखती है स्क्रीन बट एक्चुअली टाइप करने में मस्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर फोन नहीं है तब भी आपको मतलब आप कर सकते हो, मतलब आपको फोन जितना कंफर्टेबल तो नहीं है, लैपटॉप इतना तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें समझ लो आपको ईयरफोन लगाना हो, ऐसे आपने कान में लगा लिया, इसके बाद भाई मस्त जॉगिंग वॉगिंग करो फोन से कनेक्ट आता है, गाने भी फोन से चेंज आते हैं, कोई पॉडकास्ट देखनी है वो भी हो जाता है। काफी सारे लोग भाई मेट्रो वेट्रो में फोन बस निकाल के रखते हैं, उनको वीडियो देखनी क्योंकि सुनना होता है भाई, सुनने के लिए तो बेस्ट है। और प्लस इसमें और भी ऐसे फीचर्स हैं जो आपको भाई स्मार्टफोन के अंदर नहीं देखने में मिलते, जैसे आप इसमें अपना SpO2 ट्रैक कर सकते हो, स्ट्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हो, स्लीप मॉनिटरिंग है, स्टेप्स देखने हैं, कैलोरीज कितनी है, फिटनेस वाले काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो भाई घड़ियां कर लेती हैं। तो देखो भाई बेसिकली फोन आपका अपना कॉल कर लेता है, उसी के लिए बनाया गया था फोन। दूसरी चीज फोन में एप्स, वो जो बेसिक बेसिक एप्स हैं वो आपको स्मार्ट वॉच के अंदर देखने में मिल जाए। अब गाने वाने सुन सकते हो, टाइपिंग और मैसेजिंग भाई काफी बड़ी चीज होती है, वो भी हमने आपको दिखाई कि ऐसे आराम से हो सकती है। उसके साथ साथ आपको वीडियो देखनी वो देख सकते हो, एक्सपीरियंस फोन वाला नहीं है बट मजा आता है। और तीसरा है भाई पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाली स्मार्ट वॉच का प्राइस है 50,000 रुपए। अब एक यूजुअल फ्लैगशिप स्मार्टफोन अगर आप लेने जाते हो तो उसका प्राइस होता है 1,00,000 रुपए का, तो प्राइस में डेफिनेटली हाफ है, बट होता है कि स्मार्टफोन से कंपैरिजन फीचर थोड़े कम है, तो कभी कभार इसके फीचर हो सकता है आपके मिड रेंज स्मार्टफोन से मैच करे। और यूजुअली अगर आप देखोगे तो स्मार्ट वॉचेस के प्राइस फोन से बहुत ज्यादा नहीं है, फोन से थोड़े कम ही होते हैं, बट अभी फीचर में एक कैचअप नहीं कर पाए भाई। एकदम आपको सीधा सीधा बताता हूँ, ये काफी ज्यादा स्मूथ चलती है, ऑफकोर्स भाई एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच है और मैंने इसको यूज करा तो भाई एकदम ही स्मूथ थी, कहीं पे भी कोई भी लैग या डिले नहीं है। एंड्रॉइड में भाई ऑफकोर्स भाई टॉप ऑफ द लाइन स्मार्ट वॉच है और जितने भी एंड्रॉइड फोन है सबके साथ कंपेटेबल है। देखो मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, जैसे हमारा लैपटॉप में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, अपना ईमेल बहुत सारी चीजें और कीबोर्ड भी बड़ा सब कुछ है। जब फोन आया था हम सबको ये लगा था यार इसमें कीबोर्ड तो छोटे कीबोर्ड में कौन टाइप कर पाएगा, इसमें वीडियो कैसे एडिट होगी, इसमें ये कैसे होगा, इसमें वो कैसे, बट भाई धीरे धीरे छोटी स्क्रीन पे सब कुछ होने लगा, अब वीडियो भी एडिट होती है, यूट्यूब भी देखा जाता है, ईमेल भी होती है, सब कुछ आपका स्मार्टफोन कर लेता है। मतलब स्मार्ट वॉच में ऐसा है कि ये फीचर आने शुरू है कि कॉल भी आप कर सकते हो, वीडियो भी आप देख सकते हो, धीरे धीरे सारे चीजें एक एक करके इम्प्रूव होती जाएंगी। तो भाई अगर मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, इस स्मार्ट वॉच से आप फोन को 100% रिप्लेस तो नहीं कर सकते, 30% कामों के लिए चाहिए पड़ेगा, बट 70% काम ये घड़ी आपके कर देगी और ये काफी बड़ा नंबर है। आप लोगों ने काफी बड़े बड़े नंबर हमको दिए, वो नीचे टेक्स्ट बनाने वाला सब्सक्राइबर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आप बताने ये वीडियो पसंद आएगी।